हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रूपा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पैरारॉक्स एकेडमी। आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपने इस पहले वाले वीडियो में आपको मैंने प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बताया था, तो उस काइंड्स का आज मैं प्रैक्टिस लेकर आई हूँ। चलिए पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं कि आपने कितना पढ़ा है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा है टेल। क्वेश्चन हमारा है टेल विच प्रोनाउन इज द सेंटेंस पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेस्टिक प्रोनाउन। सॉरी ये नहीं है। तो इस मतलब इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन पर्सनल प्रोनाउन है, कौन पॉजेसिव प्रोनाउन है, कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन इम्फेटिक प्रोनाउन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इन चार प्रोनाउन के बारे में आपको बताया था, तो आज उसी का प्रैक्टिस लेकर आए हैं। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको और अच्छी तरह से ये वीडियो के ये प्रोनाउन के बारे में समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है वो है आई हेट माई सेल्फ। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप उसमें प्रोनाउन को सर्किल कर लीजिएगा। तो वही काम करते हैं, पहले प्रोनाउन को हम सर्किल कर लेते हैं, पहले जान जाते हैं कि कौन प्रोनाउन है। तो आपको बताया है ये दोनों है जो इसमें प्रोनाउन है। तो अब इसको आपको ये बताना है कि ये कौन से प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है आई, तो आपको डिफिनेशन पता ही होगा, आई वी यू दे ये सबको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, तो इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन है ये। थोड़ी सी बातें आपको याद भी रखनी पड़ेगी, केवल आप उस प्रोनाउन के नाम को केवल याद रखिएगा तो आपको इस तरह के प्रोनाउन छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे है माई सेल्फ, तो आपको बताए थे कि जब कोई काम कर्ता पे पड़ना प्रतीत होता है तो उसने वो अपने आप से नफरत करती है। तो किससे करती है, अपने आप से करती है। तो ये खुद पे मतलब आई पे या फिर उस प्रोनाउन पे जो है, उस प्रोनाउन पे जो है इसका प्रतीत हो रहा है कि उस वही वो जो है अपने आप से नफरत करती है। तो यहाँ पर माई सेल्फ जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप समझ गए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है सी हर सेल्फ डिड दिस। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले प्रोनाउन को छाट लेंगे। तो दिस भी जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है कि दिस कौन से प्रोनाउन में आते हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रोनाउन है, यहाँ पे ये भी प्रोनाउन है। तो सी जो है हमारा वो है पर्सनल प्रोनाउन, आपको जैसे मैंने डिफिनेशन में बताया था, तो सी जो है हमारा वो है पर्सनल प्रोनाउन। हर सेल्फ जो है यहाँ पे देखिए ये भी सेल्फ है, ये भी सेल्फ में, तो आपको यही चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब ये कर्ता पे पढ़ना प्रतीत होता है तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और जब ये नाउन और प्रोनाउन पर जोर डालता है तब ये इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। तो देखिए सी हर सेल्फ डिड दिस, उसने ऐसा वह ऐसा की, वह अपने से ऐसा की, तो यहाँ पे जो है उस पर जो है जोर डाल रहा है, तो ये जो है इम्फैटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। और दिस भी जो है यहाँ प्रोनाउन है, तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है दिस के बारे में, तो आपको मैं इस तरह बता दूँ, जिस प्रोनाउन से इंगित या सूचित किया जाता है, इंगित या सूचित किया जाता है या फिर इशारा किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर में जैसे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, डैट इज अ गर्ल, दिस आर बुक्स, दोज आर चेयर, तो ये सबसे क्या होता है इंगित, यानी उसको निर्देशित किया जा रहा है, उसे सूचित किया जा रहा है, तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में डालते हैं। तो आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब हमारा थर्ड नंबर है इट कलर्स इज ब्लैक। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा प्रोनाउन है। तो यहाँ से केवल एक ही प्रोनाउन है इट्स, जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हम लिख देंगे। अब फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, वहाँ पर भी कौन प्रोनाउन है, तो यहाँ ही इज ए प्रोनाउन और दिस ए प्रोनाउन। तो दिस तो आपको बता दें कि जो सूचित इंगित करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव, तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और हीज दिस कार इज हीज मीन्स यह उसका कार है, तो हीज जो है उससे उसका अधिकार पता चल रहा है, तो हीज जो है यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है।
आपको बात समझ में आ रही है। अगर आपको कहीं भी लग रहा होगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमारे मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इट बिलोंग टू हर, तो यहाँ हर जो है ये प्रोनाउन है और इट जो है वो प्रोनाउन है। तो इट क्या है? इट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है और हर क्या है? हर जो है इस पर अधिकार दिखा रहा है, तो हर जो है यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन है। हमारा नेक्स्ट है सी प्राइज, प्राइज्ड हम हर सेल्फ, वो अपने आप की प्रशंसा की, वो अपने आप की प्रशंसा की। तो यहाँ हर सेल्फ है ये भी है प्रोनाउन और सी जो है ये भी है प्रोनाउन। तो आपको मैंने बताया था कि सी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। आप पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनेशन को जानते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन है तो ये है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। और ये हर सेल्फ जो है इस पर जो है वो खुद का की, तो नीज यानी रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप बात समझ रहे होंगे। आई माई सेल्फ लुक द डोर, मतलब मैंने अपने से दरवाजे को देखा। तो यहाँ पे देखिए ये माई सेल्फ जो है वो आई यानी प्रोनाउन को जोर डाल रहा है यानी फोर्स कर रहा है। तो यहाँ माई सेल्फ क्या हो गया? ये हो गया इम्फैटिक प्रोनाउन। जब आप इसे ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इसे बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, और जब इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप इसे दूसरे प्रोनाउन में डाल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और आई जो है हमारा वो पर्सनल प्रोनाउन है। वी आवर सेल्फ कैन डू इट, तो यहाँ इट जो है ये भी प्रोनाउन है, आवर सेल्फ जो है ये भी प्रोनाउन है, और वी जो है ये भी प्रोनाउन है। तो वी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, आवर सेल्फ जो है इस पर फोर्स कर रहा है, तो ये जो है इम्फैटिक प्रोनाउन है, और इट जो है यहाँ पे भी पर्सनल प्रोनाउन है। और जब पर्सनल प्रोनाउन कैसे सब्जेक्टिव के रूप में काम करते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में काम करते हैं, कैसे पॉजेसिव केस में काम करते हैं, ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसका रिवाइज कीजिए। जब आपको ये फोर प्रोनाउन याद हो जाएंगे तब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।